काफी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है और अभी बाकी ज्वाइन करते रहेंगे। लास्ट लेक्चर जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था टॉपिक, वो टॉपिक था पॉइजनिंग एंड इट्स ट्रीटमेंट, ठीक है। तो उसकी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसमें वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज पॉइजनिंग, देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजन, जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन लिखवाई थी, दिया हुआ था कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजन, जिसमें कि एक कैटेगरी होती है कोरोसिव्स। कोरोसिव के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग एल्कली। दूसरे थे आपके इरिटेंट्स, इरिटेंट्स में देयर कैन बी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं और उसके बाद मैकेनिकल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड टाइप के जो आपके पॉइजन्स थे दैट वर न्यूरोटिक्स, और न्यूरोटिक्स में स्लाइड में भी दिया हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक है आपके सेरिब्रल, दूसरे हैं एक्टिंग ऑन स्पाइनल कॉर्ड, तीसरे हैं एक्टिंग ऑन कार्डियक सिस्टम, और फिर होते हैं पॉइजन्स एक्टिंग पेरिफेरली। तो पेरिफेरली जो एक्टिंग पॉइजन्स होते हैं उसके एग्जाम्पल जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दैट वॉट इज एक्यूट पॉइजनिंग, वॉट इज क्रोनिक पॉइजनिंग, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि व्हाट आर द जनरल मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि द पेशेंट शुड बी इमिडिएटली रिमूव फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एंड एमिसिस शुड बी इंड्यूस्ड। एमिसिस मीन्स वॉमिटिंग शुड बी इंड्यूस्ड बाय टेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, लाइक यू कैन गिव पाउडर ऑफ इपिकैक, मस्टर्ड पाउडर, या यू कैन ऑल्सो गिव अ सोल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ नॉर्मल टेबल सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने गैस्ट्रिक लेवेज के बारे में भी पढ़ा था कि गैस्ट्रिक लेवेज कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड, और इसके लिए जो आप चीजों को यूज कर सकते हो फॉर इंड्यूसिंग गैस्ट्रिक लेवेज वॉज सोडियम बाई कार्बोनेट सोल्यूशन था। फिर उसके बाद यू कैन ऑल्सो यूज मैग्नीशियम और सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, लिक्विड पैराफिन इन वाटर, और एक्टिवेटेड चारकोल इन वाटर, या फिर वी कैन ऑल्सो गो फॉर सोल्यूशन ऑफ मस्टर्ड पाउडर और सॉल्ट पाउडर। ये सारी चीजें थी जिसकी वजह जिसको यूज करके यू कैन अवॉइड पॉइजनिंग, ठीक है। फर्स्ट एड जो मेथड्स होते हैं वो भी डिस्कस कर लिए थे हम लोगों ने। फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि एंटीडोट्स क्या होते हैं, और मैंने आपको बोला था कि आपकी बुक में एक टेबल दे रखा है, डिप्लोमा वाली बुक में एक टेबल दे रखा है विच गिव्स द नेम्स ऑफ द ड्रग्स एंड द कॉमन एंटीडोट्स दैट आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक। बट टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन। सपोज इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू व्हाट इज एंटीडोट एंड क्लासीफाई देम, तो आप उसके लिए आंसर क्या लिखोगे वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज यू जस्ट हैव योर नोटबुक एंड पेन विद यू, बिकॉज आई डिक्टेट द आंसर टू यू ऑल्सो, ताकि अगर आपके डिप्लोमा लेवल पे क्वेश्चन आता है ये वाला, तो यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर फॉर द सेम। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चीज डिस्कस भी कर ली थी कि जो एंटीडोट्स होते हैं वो क्या होते हैं। एंटीडोट्स वो रेमेडीज होती हैं या वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पॉइजन के इफेक्ट को क्या करते हैं, काउंटर एक्ट करेंगे। मतलब वो सब्सटेंसेस जो पॉइजन के इफेक्ट को खत्म करते हैं, वो सब्सटेंसेस जो पॉइजन पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द व्हाट यू कैन से डिल्टेरियस इफेक्ट ऑफ पॉइजन, तो उन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है, एंटीडोट्स बोला जाता है, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन वन क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर एंटीडोट्स, व्हाट आर एंटीडोट्स एंड क्लासीफाई देम ऑन बेसिस ऑफ देयर एक्शन, क्लासीफाई देम ऑन बेसिस ऑफ देयर एक्शन, ठीक है। आई विल रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट आर एंटीडोट्स एंड क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन मीन्स द मैकेनिज्म बाय विच दे काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, हम उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन लिखेंगे। तो पहले तो लिख लीजिए डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एंटीडोट। इसमें लिखिए एंटीडोट्स आर द रेमेडीज, एंटीडोट्स आर द रेमेडीज, रेमेडीज मीन्स मेथड्स और ऑप्शंस, ठीक है।
एंटीडोट्स आर द रेमेडीज दैट काउंटर एक्ट का मतलब समझ में आ रहा है ना, जो पॉइजन के इफेक्ट को खत्म करेंगे, अपोज करेंगे पॉइजन के इफेक्ट को. दैट काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, द इफेक्ट ऑफ पॉइजन आर कॉल्ड, द इफेक्ट ऑफ पॉइजन आर कॉल्ड एंटीडोट्स. ठीक है, आर कॉल्ड एंटीडोट्स. So this is the definition of antidote, means the remedies that are used to counteract the effect of poison. See, next heading likho, classification of antidotes. Classification of antidotes. The antidotes are classified on the basis of action in four different categories, means there are four sub classifications of antidotes. First is mechanical antidote. Classification में आप चार sub parts बना लीजिए और उसमें पहला लिख लीजिए mechanical antidote, chemical antidote. Second one is chemical antidote. Third is systemic antidote. Systemic antidote. And the fourth one is universal antidote. Universal antidote. ठीक है. तो चार तरीके के एंटीडोट्स हैं आपके. द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल, सेकेंड इज केमिकल, थर्ड इज सिस्टमिक एंड द फोर्थ वन इज यूनिवर्सल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट देम इन ब्रीफ कि ये चारों एंटीडोट्स क्या होते हैं, how they act and what are the common examples of such type of antidotes. So first to write down mechanical antidote. First is mechanical antidote. इसमें लिखिए mechanical antidote में. देखो जो पहले mechanical antidote का जरा mechanism of action समझ लीजिए. जो mechanical antidotes होंगे ये क्या करेंगे, सपोज अ पर्सन हैज टेकन द पॉइजन थ्रू ओरल रूट. ठीक है, किसी ने ओरल रूट से पॉइजन लिया है तो ये जब पॉइजन जो स्टमक में जाएगा तो ये स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो इनर लाइनिंग है, इवन जो ओइसोफेगस की जो इनर लाइनिंग है दैट इज मेड अप ऑफ म्यूकस, ये उसको सबसे पहले डिस्ट्रॉय करेगा. और उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद धीरे धीरे इट विल स्टार्ट एंटरिंग इन टू योर ब्लड कैपिलरीज एंड देन इट विल मूव इन टू योर बॉडी. ठीक है ना, इट विल मूव थ्रू आउट योर बॉडी. तो ये वाले एंटीडोट्स क्या करते हैं कि ये एक तरीके से आपके जो म्यूकस लेयर है, म्यूकस लेयर के ऊपर एक कोटिंग बना देते हैं. ये म्यूकस लेयर के ऊपर एक कोट के तरीके से चिपक जाएंगे और क्या होगा, जब पॉइजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा या इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकस, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा. ठीक है, वो किसके कॉन्टैक्ट में आएगा, एक कोट के कॉन्टैक्ट में आएगा जो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द क्या कह सकते हैं, इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन. ठीक, तो बेसिकली इस तरीके के जो आपके एंटीडोट्स क्या होते हैं, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देते हैं. ये आपकी बॉडी की इनर लाइनिंग्स के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देंगे जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है प्रोटेक्ट हो जाएगी फ्रॉम द डिल्टेरियस इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन. तो इसमें लिख लो मैकेनिकल एंटीडोट्स फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग. मैकेनिकल एंटीडोट्स फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन, ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक. ठीक है, पहला पॉइंट आपने क्या लिखा, दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, ड्यू टू दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग, ड्यू टू दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग द एब्जॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन, द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इज डिक्रीज्ड ड्यू टू दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग, द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इज डिक्रीज्ड। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि स्टमक की म्यूकस लाइनिंग है, म्यूकस लाइनिंग के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है, और पॉइजन अब इस प्रोटेक्टिव कवरिंग के कांटेक्ट में आ रहा है, ना कि डायरेक्टली आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, जिस वजह से अब इस पॉइजन का एब्जॉर्प्शन, पहली बात तो पेनिट्रेशन एंड देन एब्जॉर्प्शन क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो जितना कम पॉइजन एब्जॉर्ब होगा आपके ब्लड में और वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होगा, उतना ही कम आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, इसमें लिखो एग्जाम्पल, एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, दूसरा लिखो ऑयल्स, नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल भी यूज करते हैं, इवन कैस्टर ऑयल का भी यूज किया जाता है, ऑयल, फैट, फैट्स, एग एल्ब्यूमिन, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग एल्ब्यूमिन। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक्टिवेटेड चारकोल है, ऑयल्स, फैट्स एंड देन एग एल्ब्यूमिन। ओके, सो दिस इज मैकेनिकल एंटीडोट। ठीक है, बस इसमें एक चीज, बस जो आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए अपने आंसर में, दैट इज इट फॉर्म्स अ कोट ओवर म्यूकस मेम्ब्रेन, इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर म्यूकस मेम्ब्रेन, इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट लिखो केमिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट्स, जो आपके केमिकल एंटीडोट्स होते हैं, एज द नेम इज सजेस्टिंग, दे आर सपोज टू अंडरगो सम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या होता है, जब आप केमिकल एंटीडोट्स को यूज करते हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, तो ये एंटीडोट्स आपके पॉइजन के साथ रिएक्ट करेंगे, दे विल अंडरगो सम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसके ड्रॉबैक वाले जो इफेक्ट्स होते हैं उनको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, मींस जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं उनको ये क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब जब वो न्यूट्रलाइज हो गए हैं, तो उनकी वजह से आने वाले जो ड्रॉबैक्स थे या उनकी वजह से आने वाले जो पॉइजनिंग इफेक्ट्स थे, वो इफेक्ट्स देखने आपको क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, सो केमिकल एंटीडोट मीन्स अ एंटीडोट दैट इज सपोज टू अंडरगो सम सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द पॉइजन, एंड द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल, दिस केमिकल रिएक्शन इज अ नॉन पॉइजनस सब्सटेंस। ठीक, पॉइजन प्लस एंटीडोट, जब इनका रिएक्शन होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, नॉन पॉइजनस इन नेचर होगा, वो एक न्यूट्रलाइज प्रोडक्ट होगा, जो कि आपके अल्टीमेटली पॉइजन के ड्रॉबैक को क्या कर देगा, या डेल्टेरियस इफेक्ट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा या खत्म कर देगा। ठीक, तो इसमें लिख लो केमिकल एंटीडोट्स में, दीज आर द एंटीडोट्स, दीज आर द एंटीडोट्स दैट अंडरगो, दीज आर द एंटीडोट्स दैट अंडरगो केमिकल रिएक्शंस, दैट अंडरगो केमिकल रिएक्शंस विद द पॉइजन, विद द पॉइजन टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस हार्मलेस प्रोडक्ट्स, टू प्रोड्यूस हार्मलेस प्रोडक्ट्स। ठीक है, दीज आर द एंटीडोट्स विच अंडरगो केमिकल रिएक्शन विद द पॉइजन टू प्रोड्यूस हार्मलेस प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर से क्लियर कर रही हूँ, केमिकल रिएक्शन होगा बिटवीन द एंटीडोट एंड द पॉइजन, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, हार्मलेस प्रोडक्ट होगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसमें, एसिड्स, एसिड आर न्यूट्रलाइज विद एल्कलीज, एसिड्स आर न्यूट्रलाइज विद एल्कलीज। ठीक, अगर एसिडिक पॉइजनिंग हो गई है तो एल्कली का इंटेक किया जाएगा, सो दैट सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स, एंड वट एवर द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ एसिड्स आर, या वट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड्स आर, दे कुड बी रिड्यूस्ड।
दूसरा लिखो ओपियम पॉइजनिंग, ओपियम पॉइजनिंग इज ट्रीटेड बाय कंज्यूमिंग, ओपियम पॉइजनिंग इज ट्रीटेड बाय कंज्यूमिंग के एम एन ओ फोर, पोटेशियम परमैंगनेट के एम एन ओ फोर। ठीक है, अब नेक्स्ट एंटीडोट इज सिस्टमिक एंटीडोट, सिस्टमिक एंटीडोट इसमें जो सिस्टमिक एंटीडोट्स होते हैं दे प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट इज अपोजिट टू द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ठीक, सपोज मान लीजिए अगर कोई पॉइजन है उसके कंजम्पशन की वजह से हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो जब आप इसका एंटीडोट लोगे तो हार्ट बीट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बढ़े का अपोजिट क्या है, रिड्यूस होना। ठीक, या सपोज मान लीजिए जो है पल्स रेट में, पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जब आप इसका एंटीडोट लोगे तो पल्स रेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। या अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं तो एंटीडोट खाने से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। तो सिस्टमिक मीन्स द इफेक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड इज जस्ट द अपोजिट। बेसिकली इसको एंटागोनिस्टिक भी बोला जा सकता था लेकिन क्लासिफिकेशन में इसको सिस्टमिक की तरह लिखा गया है। तो सिस्टमिक का मतलब क्या है, द इफेक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीडोट इज जस्ट द अपोजिट टू द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन। तो इसको लिख लीजिए, दीज एंटीडोट्स, सिस्टमिक एंटीडोट्स प्रोड्यूस द इफेक्ट, सिस्टमिक एंटीडोट्स प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट इज अपोजिट, दैट इज अपोजिट टू द इफेक्ट ऑफ, टू द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। सिस्टमिक एंटीडोट्स प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट इज अपोजिट टू द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। एग्जाम्पल लिख लो, कैफीन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फिन पॉइजनिंग, कैफीन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फिन पॉइजनिंग। नेक्स्ट लिखो एट्रोपीन, एट्रोपीन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, एट्रोपीन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पाइलोकार्पीन पॉइजनिंग, पाइलोकार्पीन पॉइजनिंग। मैम एग्जाम्पल रिवाइज कर दीजिए। कर रही, एट्रोपीन, एट्रोपीन इज यूज फॉर, एट्रोपीन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पाइलोकार्पीन, PILOCARPINE, पाइलोकार्पीन पॉइजनिंग। और पहला वाला था, द फर्स्ट वन वॉज केफीन, CAFFEINE, केफीन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फीन पॉइजनिंग, MORPHINE, मॉर्फीन पॉइजनिंग। ठीक है, लास्ट इज यूनिवर्सल एंटीडोट, यूनिवर्सल एंटीडोट मींस एक ऐसा एंटीडोट या ऐसे एंटीडोट्स विच आर गिवन यूनिवर्सली। यूनिवर्सली मींस कि अगर हमें ये नहीं पता है कि किस टाइप की पॉइजनिंग हुई है या किसी पेशेंट को एक से ज्यादा सब्सटेंसेस से पॉइजनिंग हुई है तो आप इन एंटीडोट्स को बिना सोचे समझे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोज एंटीडोट्स विच कैन बी यूज इन एनी सिचुएशन आर नोन एज यूनिवर्सल एंटीडोट्स। मतलब अभी हमें नहीं पता है कि मॉर्फिन की पॉइजनिंग है कि एसिडिक पॉइजनिंग है, किस चीज की पॉइजनिंग हुई है, हमें आइडिया नहीं है, तो भी हम इस तरीके के एंटीडोट्स का यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। ठीक, तो इसमें लिख लो, दीज आर द एंटीडोट्स, दीज आर द एंटीडोट्स दैट कैन बी यूज, दीज आर द एंटीडोट्स दैट कैन बी यूज इन सिचुएशंस, इन सिचुएशंस
वेयर वेयर, पहला लिखो ए पॉइंट, द नेचर ऑफ पॉइजन इज अननोन, द नेचर ऑफ पॉइजन इज अननोन, नेचर ऑफ पॉइजन मीन्स हमें नहीं पता कि किस पॉइजन की वजह से पॉइजनिंग हुई है, ठीक है, व्हेन द नेचर ऑफ पॉइजन इज अननोन। और दूसरा पॉइंट लिख लो, व्हेन व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन पॉइजन टू बी कंज्यूम्ड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन पॉइजन टू बी कंज्यूम्ड, मीन्स ऐसी सिचुएशन जब हो सकता है एक से ज्यादा तरीके के पॉइजन को कंज्यूम कर लिया गया हो। मैम फिर से रिपीट। एक सेकेंड में समझा लो फिर कर रही हूँ। मीन्स ये चीज एक्सीडेंटली भी हो सकती है, ये चीज डेलिबरेटली भी हो सकती है, ठीक है। पॉइंट लिख लो, व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन पॉइजन, पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन पॉइजन टू बी कंज्यूम्ड। एग्जाम्पल लिख लो, चारकोल पाउडर, चारकोल पाउडर, चारकोल तो जानते हो ना, कोयला, चारकोल पाउडर। नेक्स्ट लिखो टैनिक एसिड, टैनिक एसिड ब्रैकेट में लिख लो स्ट्रॉन्ग टी, बहुत कड़क चाय, ठीक है, टैनिक एसिड। और लास्ट लिख लो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऐसे बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, व्हाट आर एंटीडोट्स एंड क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है ना। एंटीडोट्स क्या है, वो रेमेडीज विच आर यूज टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीडोट्स बोलते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन इसका चार टाइप से है, फर्स्ट इज मैकेनिकल, सेकेंड इज केमिकल, देन सिस्टमिक, देन यूनिवर्सल। मैकेनिकल अंडरलाइन वाला पॉइंट क्या था कि ये एक मैकेनिकल कवरिंग बना देते हैं, प्रोटेक्टिंग कवरिंग बना देते हैं ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन, एंड देयर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इज डिक्रीज। तो जितना कम एब्जॉर्प्शन होगा पॉइजन का, उतना कम उसके हार्मफुल इफेक्ट्स आपको ऑब्जर्व होंगे। फिर था आपका केमिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट्स क्या करते हैं, दे अंडरगो केमिकल रिएक्शंस विद द पॉइजन, दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन, दे न्यूट्रलाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एंड द रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ हार्मलेस प्रोडक्ट। ठीक, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और एक हार्मलेस सा प्रोडक्ट बन जाएगा विच डजेंट कॉजेस एनी सॉर्ट ऑफ हार्म टू द पेशेंट। उसके बाद थे सिस्टमिक एंटीडोट्स, जो सिस्टमिक एंटीडोट्स होते हैं दे हैव द इफेक्ट अपोजिट टू द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मीन्स दे विल अपोज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन एंड देयर बाय जो पेशेंट है उसकी कंडीशन को ये नॉर्मलाइज करेंगे। अगर एक हार्ट बीट को बहुत बढ़ा रहा होगा तो दूसरा उसको घटाना शुरू कर देगा, एंड अल्टीमेटली वो बैलेंस होगी और उसको बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स दिए जाएंगे, थेरेपीज दी जाएंगी और उसकी सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। और लास्ट आपका क्या था, यूनिवर्सल एंटीडोट्स, यूनिवर्सल एंटीडोट्स यूनिवर्सली टेकन ऑफ हो सकते हैं, मीन्स व्हेन वी डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ पॉइजन इज कॉजिंग द प्रॉब्लम विद द पेशेंट, या फिर व्हाट सॉर्ट ऑफ पॉइजन हैज बीन कंज्यूम्ड, या पेशेंट हैज टेकन द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइजन एक्सीडेंटली और डेलिबरेटली। बताया था ना, इट कुड बी एक्सीडेंटल, इट कुड बी डेलिबरेट, इट कुड बी एनवायरमेंटल। तो कितने तरीके के पॉइजन कंज्यूम हो गए, जब हमें इस क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर नहीं पता होता तो फर्स्ट स्टेज में या प्रिलिमिनरी स्टेज में आप ट्रीटमेंट के लिए यूनिवर्सल एंटीडोट्स को यूज कर सकते हो, और उनके एग्जाम्पल्स हैं चारकोल, टैनिक एसिड एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। सो दिस विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक, व्हाट इज पॉइजनिंग, व्हाट इज द ट्रीटमेंट यूज इन पॉइजनिंग, देन व्हाट आर एंटीडोट्स, एंड प्लीज गो थ्रू द एग्जाम्पल्स, गो थ्रू द टेबल इन योर बुक दैट हैज बीन गिवन टू यू, कि व्हाट आर द ड्रग्स एंड व्हाट आर द कॉमन एंटीडोट्स विच आर यूज, ठीक है। सो यू कैन गो थ्रू इट।